मेरे प्यारे फुरपुरी नगरवासियों, आप सबको 15 अगस्त की शुभकामनाएं। आप सबका जोश देख के मुझे बहुत खुशी हुई। मैं चाहता हूँ कि फुरपुरी नगर से जो लोग देश की सेवा करने के लिए फौज में भर्ती होना चाहते हैं, वो 2 कदम आगे आ जाए। मोटू पतलू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैंने तुम्हारी बहादुरी के बहुत किस्से सुने हैं। लेकिन हम आगे कब आ गए? मोटू पतलू, तुम तो हमेशा ही हम सबसे आगे थे। मोटू पतलू जिंदाबाद, जाओ देश के दुश्मनों के चक्के छुड़ा दो, मैं तुम्हारे साथ। मोटू पतलू कैसे हो? चहल साहब, हम अच्छे हैं। मोटू पतलू, वो देख रहे हो दुश्मन का कैंप? वो जगह भी हमारी थी, लेकिन उन्होंने धोखे से कब्जे में कर ली। अब इस जगह पे होशियार रहना, वो इस तरफ एक कदम भी बढ़ाने ना पाए। आप चिंता ना करें सर। पतलू, ये हम कहाँ फंस गए? मुझे तो चाय वाले के समोसे बहुत याद आ रहे हैं। हम देश की सेवा कर रहे हैं। अगर सब लोग फौज में आने से मना कर देंगे तो देश की रक्षा कौन करेगा? कहाँ चल दिए मोटू? उधर दुश्मन है, उधर समोसे है। बॉर्डर पे भी आ जाए मजा, अगर मिल जाए गर्मा गर्म समोसा। समोसे 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 समोसे। एक्सक्यूज मी दोस्तों, अब पहले समोसे खा लूं, अब फिर हाय हेलो करते हैं। खत्म कर दो इन्हें, इनकी इतनी हिम्मत हमारे कैंप में आके हमारे ही समोसे खा लिए। बोलो बोलो, चलो भाई मोटू शुरू हो जाओ। उन्हें नहीं पता कि समोसे खाने के बाद तुम क्या क्या कर सकते हो। ये क्या हो रहा है? पानी बरसते देखा था, आदमी बरसते पहली बार देख रहा हूँ। जय हो! कमाल हो गया मोटू पतलू, तुमने हमारी पोस्ट वापस दिला दी। थैंक यू। यस सर, मोटू पतलू ने हमारी अल्फा लिमा चार्ली पोस्ट वापस दिला दी। यस सर, दे आर वेरी ब्रेव। ओके, मैं उन्हें वहाँ फौरन भेजता हूँ। यस सर। मोटू पतलू, Yes, हमारी एक और पोस्ट दुश्मनों ने धोखे से कुछ साल पहले कब्जे में कर ली थी। हाई कमांड ने तुम्हें वहाँ भेजने का हुक्म दिया है, जाओ और वो पोस्ट भी कब्जे में कर लो। Yes, वो सामने पोस्ट दिख रहे हो, दुश्मनों ने धोखे से पिछले साल कब्जा कर लिया था। जय हिंद सर। मोटू पतलू रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी। जय हिंद मोटू पतलू, तुम सही मौके पर आए हो। मैं अभी इन जवानों को तुम्हारी बहादुर के कारनामे सुना रहा था। वो सामने पोस्ट देख रहे हो, वो हमारी है। दुश्मनों ने धोखे से पिछले साल कब्जा कर लिया था। अब सबको अपना प्लान बताओ कि उसे कैसे कब्जे में करोगे। मोटू कुछ करो वरना गए काम से। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती, तुम ही कुछ सोचो। आइडिया सर, हमें प्लान करने के लिए थोड़ा समय दीजिए। पहले हम उस पोस्ट को गौर से देखेंगे और फिर प्लान बना के आपको बताएंगे। ओके जवानों, मोटू पतलू को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। ये क्या कर दिया? अरे हम क्या प्लान बनाएंगे? अब रास्ता साफ है, चलो भाग चलते हैं। जय हो, ये अच्छा आइडिया है। पतलू एक मिनट, चलो उधर चलते हैं। क्या हुआ? सबको इतना पसीना क्यों आ रहा है? सब इतना घबराए क्यों हो? साहब, खबर मिली है कि मोटू पतलू सामने की पोस्ट पर आ गए हैं। वो दोनों बहुत खतरनाक हैं। बहुत बुरी तरह मारते हैं।
बिना गोली चलाए ही उन्होंने हमारे एक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। हाँ, मैंने भी उनके बारे में सुना है। ध्यान रहे, यहाँ कोई समोसा नहीं बनाएगा, और डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। साहब, आप अपना पसीना तो पोंछ लो, पानी की धार की तरह बह रहा है। मोटू, जरा झांक के देखो तो जनरल सिंह गया कि नहीं। कर दिया, रोको रोको इसे। अरे कैसे रोकूं, ये टैंक है, कोई कार या स्कूटर नहीं। वो टैंक लेकर दुश्मन की पोस्ट की तरफ कौन जा रहा है? मोटू पतलू के सिवा और कौन हो सकता है? लेकिन जिस तरफ से वो जा रहे हैं उधर तो रॉक्स ही रॉक्स है, टैंक वहाँ चल ही नहीं सकता। ये तो मेरा टैंक तोड़ देंगे। ऐसा भी कोई टैंक चलाता है? कुछ तो गड़बड़ है सर। गड़बड़ नहीं, हमला हुआ है। देख क्या रहे हो खन्ना, वो अकेले लड़ने जा रहे हैं। चलो उनका साथ देते हैं, आक्रमण। लेकिन लेकिन कुछ गड़बड़ है, ऐसे कोई हमला नहीं कर सकता। इम्पॉसिबल, ये रॉकी पैच से टैंक कैसे लेकर आ सकते हैं? उन रॉक्स पर तो टैंक चल ही नहीं सकता। वो टैंक चला का रहे हैं साहब, वो तो हवा में उड़ा रहे हैं। भागो! रुको, पहले मुझे भागने दो। गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। मोटू, वो लोग तो भाग गए, एक बचा है, वो सफेद झंडा दिखा रहा है, अपने हाथ नीचे करो। वो तो सब भाग गए, मैं तो बेकार में डर रहा था। वो देखिए, मोटू ने हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दिया। उसने सरेंडर नहीं किया, वो देखो, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। सर, मुझे तो इन दोनों में कुछ गड़बड़ लग रही है, इस तरह फाइट कोई कर ही नहीं सकता। मोटू पतलू, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया, इस तरह से टैंक चलाना कहाँ से सीखा? टैंक तो हम बचपन से ही चला रहे हैं। मोटू पतलू की जय, मोटू की जय, मोटू पतलू की जय, मोटू पतलू की जय। वाह मोटू पतलू, वाह, तुम दोनों को मैं वीरता का सबसे बड़ा मेडल दिलवाऊंगा। यस यस, ओके, अभी भेजता हूँ। मोटू पतलू, वो दूर एक वॉच टावर दिख रही है? जी हाँ सर। टेररिस्ट ने उस टावर पे कब्जा कर लिया है, वहाँ कुछ लोग बंधक बना के रखे हैं। ओ, सुन के बहुत बुरा लगा, पुलिस को फौरन फोन कीजिए। वहाँ पुलिस की नहीं, हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट कमांडोज की जरूरत है, और वो तुम दोनों हो। हमें अपना प्लान बताओ, कैसे उस टावर पे कब्जा करोगे? खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, खाना खा लूं फिर बताता हूँ सर। खाली पेट तो मेरे दिमाग की बत्ती भी नहीं जलती। तुम दोनों उस हेलीकॉप्टर में बैठो, मैं अभी खाना भिजवाता हूँ। इंजन क्यों स्टार्ट कर दिया? जल्दी से बंद करो इसे, साहब गुस्सा करेंगे। इंजन तो रुक ही नहीं रहा, अब क्या करें? चलो पायलट ढूंढते हैं। हम तो उड़ गए हैं। हाँ, मुझे दिख रहा है। कुछ करो, अब चीखना शुरू करो। बचाओ, बचाओ, तो इसे नीचे उतारो। मेरा हेलीकॉप्टर कौन ले गया? आपके वीर बहादुर मोटू पतलू के सिवा कौन हो सकता है? ओह, तो उन्होंने बाई एयर अटैक करने का प्लान बनाया है। गुड, वेरी गुड। वो हेलीकॉप्टर इधर ही आ रहा है, रुक जाओ वरना मैं इन सबको गोली मार दूंगा। मोटू पतलू ने सबको बचा लिया, वो कितने अच्छे पायलट हैं, कमाल है, कमाल है। अब वो इधर आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर उनके कंट्रोल में नहीं है, मेरा टैंक तो वो तोड़ ही चुके हैं। अब आपके हेलीकॉप्टर का नंबर है, भागो सर। हट जाओ, हट जाओ। ये
पागल हो गए हैं, कोई इन्हें रोको। वापस आओ, मेरा हेलीकॉप्टर लाओ। सर, उनको हेलीकॉप्टर उड़ाना नहीं आता है, अब तो ऊपर वाला ही उन्हें वापस ला सकता है। हेलीकॉप्टर टूट गया तो मैं हाई कमांड को क्या जवाब दूंगा, मेरा तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा। सर, भागो भागो, इसे रोकने का प्लान बताओ जल्दी, कोई बचाओ। शुक्र है जान बच गई। बची नहीं जान, अब जाने वाली है, वो देखो। देश की सेवा बहुत कर ली, अब फुरफुरी नगर की सेवा करते हैं। फुरफुरी नगर हम आ रहे हैं।